दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के दबंग खान ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर अपनी बातें सबके सामने रखी दी। तो दोस्तों क्या कहा नेपोटिज्म के मुद्दे पर दबंग खान ने और किसके लिए उन्होंने ये बातें कही, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों आपको तो बताएं कि इन दिनों सलमान खान अपनी मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेलीविजन शो यानी कि बिग बॉस 14 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हर एक प्लेटफॉर्म पे भैया काफी सुर्खियां बटोर रही है। तो दोस्तों इसी शो के दौरान एक ऐसी बात हो गई कि भैया दबंग खान को इतना गुस्सा आया कि भैया उन्होंने अपनी दिल की बात सबके सामने रख दी कि भैया नेपोटिज्म को लेकर वो क्या सोचते हैं। और भाई इन दिनों जो नेपोटिज्म को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है वो कितनी सही और कितनी गलत है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से लगातार बॉलीवुड के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि भैया आज बॉलीवुड में जो भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो किसी ना किसी तरीके से नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म की मदद से ही बॉलीवुड में इतने बड़े स्टार बने हैं। यानी कि भैया इन लोगों की जो भी हैसियत आज है वो भैया नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म की मदद से ही है। तो दोस्तों ये बातें तो हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन भैया यही बात बिग बॉस के घर में भी देखने को मिली जब राहुल वैद्य ने जान कुमार के ऊपर ये आरोप लगाया कि भैया आज जो कुछ भी है भैया वो नेपोटिज्म की मदद से ही है। तो दोस्तों इसी बात पर सलमान खान को भी काफी गुस्सा आया और उन्होंने राहुल वैद्य से सीधे सीधे कुछ सवाल पूछ लिए, जिसको सुनते ही राहुल वैद्य भी सन्न हो गए। उनके पास सलमान खान के पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों अपनी बात सबके सामने रखते हुए सलमान खान ने यह कहा कि एक वक्त उनके पिता से मिलने के लिए उनके घर पर कई सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उनके पिता ने उन प्रोड्यूसर और उन डायरेक्टरों से यह कहा हो कि यह उनका बड़ा बेटा है और इसको वो अपनी फिल्म में ले ले। यानी कि भैया सलमान खान ने सलीम खान साहब को लेकर यह बात कही कि भैया उनके पिता का हमेशा से यह मानना रहा है कि अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट होगा, अगर आप में दम होगा तो ये लोग खुद से आपके पास आएंगे और आपको अपनी फिल्मों में लेंगे। यानी कि सलीम खान ने हमेशा से उनको यह बात कही है कि भैया आपके सफल और असफल होने का जो फैसला होता है वो ऑडियंस के हाथ में होता है। अगर ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो भाई ये लोग खुद ब खुद आकर आपको एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि अपनी बातों से सलमान खान ने यह बात क्लियर की है कि भैया आज उनकी जो भी हैसियत है वो ऑडियंस की वजह से, यानी कि भैया ऑडियंस का प्यार उनको मिला तभी वो आज इतने बड़े स्टार बने हैं, ना कि भैया वो सलीम खान साहब के बेटे हैं इसकी वजह से उनकी आज ये हैसियत बनी है। दोस्तों इसी के साथ ही उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि अगर आपके माता पिता अगर आपके लिए कुछ करते हैं तो क्या यह नेपोटिज्म है? इस इंडस्ट्री में क्या यह संभव है कि किसी के बच्चे को किसी के ऊपर थोपा जा सके? इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है मेरे दोस्त। इसी के साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सलमान खान ने बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकारों के उदाहरण देते हुए भी कहा कि संजय दत्त, सनी देओल, ऋषि कपूर, इन सभी अभिनेताओं को इनके पिता ने जरूर लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है, इसमें क्या गलत है? यानी कि उन्होंने ये बात क्लियर की है कि भैया ये बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड के कई सारे सितारों को उनके पिता ने लॉन्च किया है बॉलीवुड में, लेकिन भैया उनकी जो पहचान आज बॉलीवुड में बनी है वो उनके मेहनत और उनके लगन की वजह से बनी है। इसी के साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सलमान खान ने अजय देवगन को लेकर ये बातें कही कि अजय देवगन एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, मगर उनके पिता जो कि एक बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि अजय देवगन एक स्टार बने, और अपने पिता की बात को मानते हुए अजय देवगन ने एक्टिंग के फील्ड को चुना और वो आज अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड के बड़े सितारों में से एक है। यानी कि सलमान खान ने अजय देवगन को लेकर यह बात कही कि भैया उनकी इच्छा कुछ और थी लेकिन उनके पिता के कहे अनुसार उन्होंने एक्टिंग के फील्ड को चुना। इसी के साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सलमान खान ने यह भी कहा कि भैया ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में आज जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं वो किसी ना किसी फिल्मी घराने से बिलोंग करते हैं। उन्होंने शाहरुख खान और अक्षय कुमार का उदाहरण देते हुए बात कही कि भैया अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में हुनर है तो भैया आपको बॉलीवुड में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखते हुए बात कही कि भैया शाहरुख खान जो कि दिल्ली से आए थे और अक्षय कुमार का तो इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था, उन्होंने अपने मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर पिछले 30 सालों से राज किया है, आज ये लोग अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से बॉलीवुड में टिके हुए हैं। इसी तरह से जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड में लाने का श्रेय देवानंद साहब को जाता है, जिसमें लोगों का दिल जीतने का मद्दा होगा वही चलेगा, जिसमें ये खूबियां नहीं होगी वो अपनी खुद की तिजोरी, अपने घर की तिजोरी और अपने माता पिता की तिजोरी को खाली करके जाएगा। यानी कि भैया सलमान खान ने अपनी बातों से यह बात क्लियर कर दी है कि जिस बॉलीवुड को लेकर लगातार इन दिनों
सोशल मीडिया पर यह बातें कही जा रही है कि भैया बॉलीवुड में बहुत ही ग्रुपिज्म है, बहुत ही नेपोटिज्म है, और आज बॉलीवुड के जितने भी बड़े सितारे हैं वो नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के पैदावार हैं। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत होगा, यानी कि भैया आज बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सितारे हम देखते हैं उसको ऑडियंस ने ही बनाया है, ये बात क्लियर की है अपने इस बयान से सलमान खान ने। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि सलमान खान ने जो बातें कही है नेपोटिज्म के मुद्दे पर आप इस बात से कितना इत्तफाक रखते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।